हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एजेटेक। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं किसी भी गिलास की जो स्लीव बनती है उसकी डाईकट बनाने का जो फॉर्मूला है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गिलास की साइज कैसे लेते हैं, वही सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज इसकी डाईकट बनाने में होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी अगर आपके पास कोई भी गिलास है तो उसका साइज कैसे ले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपके साइज सही है तो आप आराम से परफेक्ट डाईकट बना सकते हैं। तो ये है हमारा गिलास और ये है सर्किल में, और फ्रेंड्स ये स्केल है स्ट्रेट में। और अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट साइज लेनी है तो आप एक डोरी ले लीजिए या कुछ भी आपके पास कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो आराम से पूरा राउंड कवर कर ले। तो हम इसको यहाँ से यहाँ पर इसको लगा देंगे और इसको अपने अंगूठे से दाबेंगे इस तरह से कि ये भागने ना पाए। और इसका दूसरा सिरा जो है मैं उसको पूरे राउंड में ये ऐसे लेकर के आऊँगा और यहाँ पे इसको मैं छोड़ दूंगा और यहीं से मुझे पकड़ना है कि साइज इसका कहीं भागने ना पाए। तो मैंने यहाँ से इसका साइज ये पकड़ लिया है, तो अभी इसका साइज ये है। और इसको मेजरमेंट करने के लिए ये हमारे पास स्केल है, हम इसको यहाँ रखेंगे एकदम लास्ट में और यहाँ पर आएंगे तो ये है 26। तो इसका जो ऊपर वाला भाग है वो है 26 ऊपर वाला सर्किल। अभी हम नीचे वाला भी देख लेते हैं, तो नीचे वाला भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो हम इसको रखेंगे एक साइड में, इसका सिरा हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे और दूसरा सिरा इसको हम इसके राउंड में घुमा देंगे पूरा। एक सिरा हम यहाँ पर रख के इसको हम सही से दाब लेते हैं कि भागने न पाए और दूसरा सिरा इसको हम ऐसे घुमाएंगे और इसको हमें यहीं से पूरा घुमाना है। ये देखिए इस तरह से ये ऐसे हमें यहाँ से घुमाना है, नहीं तो अगर ये ऊपर नीचे होगा तो साइज इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से घुमा के और यहाँ पर इसको छोड़ लेना है। तो ये है हमारा नीचे वाले भाग का साइज, तो हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये साइज आ रहा है 23, तो 26 बाई 23। और इसकी हाइट हम इसी स्केल से नाप लेते हैं। हाइट ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी हाइट है 10। तो इसका साइज है 23 बाई 26 बाई 10। तो हम यहाँ पर इसका साइज लिख लेते हैं कि हम इसको भूलने ना पाए। तो यहाँ पर हम 26 बाई 23 बाई 10, तो ये है इसका साइज। तो फ्रेंड्स आइए अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड्स जिस तरह मैं बनाऊंगा डाईकट उसी तरह से आप बनाएंगे तो एक बार में नहीं तो दूसरी बार में आप परफेक्ट बना पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला 99% काम करता है। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आइए आप इस स्लीव की डाईकट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल और उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो यह हो गया सेंटीमीटर। और अभी हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और साइज था उसका 26 और हाइट थी 10, तो ये हमने ले लिया है। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं, इसका हमने कलर हटा लिया है और अभी सिर्फ हमारे पास स्ट्रोक है। और इसकी जो नीचे वाला पार्ट था वो कितना था 23, तो अभी हम इसी पार्ट को करेंगे कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल एफ और यहां से हम इसको कर देंगे 23, ये हो गया। अभी इस वाले पार्ट को हम यहां से मिला देंगे इस तरह से। अभी हमें इसका और फ्रेंड्स अभी हमें इसका एंगल पता करना है, तो उसके लिए अभी हम एक
यहाँ पर लाइन खींचते हैं और उस लाइन को इससे मिला देते हैं ये इस तरह से। और अभी हम लेते हैं रोटेट टूल जिसका शॉर्टकट है R, और उसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को लॉक कर देते हैं कंट्रोल टू, और इस लाइन को हम करेंगे सिलेक्ट और R प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से इसका एंगल पता कर लेंगे। तो इसका एंगल है 8.53 इंटर करते हैं हम, ये देखिए ये है इसका एंगल। अभी हम इसको करते हैं कॉपी और इसको हम यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और फ्रेंड्स अभी बाद में हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी तो इस लाइन को हम अभी हटा देते हैं। और फ्रेंड्स अभी हमें अनलॉक कर देना है कंट्रोल अल्ट टू। और फ्रेंड्स अभी हम इस पार्ट को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर हम आएंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनवलप डिस्टॉर्ट पर आएंगे यहाँ पर मेक विद रैप। और अभी हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ये 10 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, देखते हैं 9.5 होता है या नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हमने 9.5 कर लिया है और ये परफेक्ट आ गया, देखते हैं 9.54 पे आता है इससे ज्यादा परफेक्ट, तो ये 9.4 ये हो गया परफेक्ट। अभी हम इसको यहाँ से करेंगे एक्सपेंड और इस वाले पार्ट को अभी हम यहाँ से हटा देंगे। और फ्रेंड्स अभी हमें एक बनाना है सर्किल, और सर्किल को इसको दोनों को सिलेक्ट करना है और इस पर दोबारा क्लिक करना है क्योंकि हमें इस सर्किल को इसके सेंटर मिलाना है और इसको ऊपर से ऐसे मिला देना है। अभी हमें इस सर्किल को इतना बड़ा करना है कि ये यहाँ पर मिल जाए, तो हम इसको बड़ा करते हैं। और बड़ा करते हैं और थोड़ा सा और होगा, अभी हम इसको जूम करके देखते हैं ये मिल रहा है या नहीं। कंट्रोल वाई करते हैं और जूम करते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाकी है अभी, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, 9 हो गया है अभी, ये 175.9, अभी हमें थोड़ा सा और बड़ा करना है तो यहाँ पर 0.1 करेंगे, देखते हैं 2 कर लेते हैं, या फिर 3 कर लेते हैं, तो ये हो गया परफेक्ट। अभी हमें क्या करना है, इसी को दोबारा से करना है कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल लेफ्ट और इसको छोटा करके नीचे वाले से मिला देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक ऊपर का सर्किल हो गया, एक नीचे का सर्किल, तो अभी हमें नीचे वाले को थोड़ा अच्छी तरीके से मिला लेना है ये इस तरह से, तो ये अभी मिल चुका है परफेक्ट, ये हो गया। अभी हमें एक लाइन लेना है बिल्कुल इस सर्किल के बीचों बीच में, तो लाइन हम लेते हैं इसके बीचों बीच में यहाँ से, और इस लाइन को हम करते हैं इसके, और इस लाइन को हम इस सर्किल के सेंटर में लगा लेते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है। अभी हमें इस लाइन को करना है सिलेक्ट, उसके बाद आ जाना है रोटेट टूल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही
जो एंगल था ये हमें रख करके देखना है कि सही है या नहीं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है, सिलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं पेस्ट। तो फ्रेंड्स ये जो एंगल है इसको थोड़ा हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसको, देखते हैं। तो ये हो गया है 9 और 8 पॉइंट, पहले देख लेते हैं कितना था, 8.2 नहीं 8.4, 8.6, 8.8। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो एंगल है वो 8.8 का है। हम 9 मीटर के देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो इसका सही एंगल है वो है 8.8। तो अभी हम इसको करते हैं कॉपी और यहां से हम रोटेट टूल में आते हैं और इसको कर देते हैं 8.8 और इसको यहां से कर देते हैं कॉपी। तो ये हो गया है परफेक्ट। इसको अभी हम यहां से हटा देते हैं और उसके बाद फिर से हमें इसको सिलेक्ट करना है और यहां से आना है, इसको अभी हमें करना है -8.8 माइनस। तो ये हो गया है कॉपी परफेक्ट। उसके बाद अभी हमें इन दोनों के बीच में फोल्डिंग के लिए एक यहाँ पर लगाना है फोल्ड और एक फोल्ड हमें यहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए अभी हम इसी को करते हैं सिलेक्ट, रोटेट टूल पर आते हैं और 8.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया है। और अभी हम इसी को फिर से सेलेक्ट करते हैं और रोटेट टूल लेते हैं, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम इसका माइनस हटा देंगे और कॉपी कर लेंगे। तो ये हो गया है परफेक्ट और इस लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे। और अभी हमें यहाँ पर ग्लू लैब के लिए इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर हमें ग्लू लैब देना है, तो इसको हम करते हैं सिलेक्ट, रोटेट टूल पर आते हैं और यहाँ से हम करते हैं माइनस, रिव्यू करते हैं और इसको करते हैं कम। तो ग्लू लैब के लिए इतना काफी है, इसको हम करते हैं कॉपी। तो अभी ये हमारा परफेक्ट बन चुका है। अभी हम इस पार्ट को यहां से करते हैं डिलीट और इन सबको करते हैं सिलेक्ट एक साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर, ये आप देख सकते हैं ये है डिवाइड, ये हमने डिवाइड कर दिया है। और अभी हम करते हैं अनग्रुप और नीचे वाला सारा पार्ट हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। इन लाइंस को यहाँ से हम हटा लेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और ये वाली लाइन को सारे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे और इसको हम कलर दे देते हैं रेड, क्योंकि ये कटिंग है। और फिर कंट्रोल एफ करते हैं, यहाँ पर अगर डबल लाइन है तो हम इसको डिलीट करते हैं, इसको हम फिर से करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं ग्रीन, क्योंकि ये सारे जो पार्ट है ये सारे पार्ट फोल्डिंग वाले हैं। तो इस तरह से हमारे ग्लास की स्लीव बन करके रेडी हो गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। और फ्रेंड्स अगर मैं इस डाइकट का प्रिंटआउट निकाल करके काट करके उसके बाद उसी गिलास पे फिक्स करता हूँ तो ये परफेक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप किसी भी गिलास स्लीव की डाइकट बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बस आपका जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको जिस तरह से वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने मेजरमेंट करना बताया है उस तरह से आप करेंगे तो आपकी डाइकट परफेक्ट बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि
जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।